नमस्ते सभी को। हिंदी में सत्र हम लोग शुरू करते हैं। अब हम अभ्यास दो के समापन की ओर हैं। अभी हम उसके आखिरी स्टेप स्टेप सेवन पे चर्चा कर रहे हैं, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमने एक शिफ्ट लिया है क्योंकि तो अभी तक हम शरीर को ऑब्जर्व कर रहे थे और शरीर के साथ जो आदान प्रदान हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहाँ हम शून्य को ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी और तैयारी चाहिए और तत्परता चाहिए, उसको हमको अपने आप में विकसित करना है। अभ्यास दो में हम स्वयं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास करते रहे। करीब एक महीने पूर्व हम लोगों ने इस अभ्यास को शुरू किया था, तो समय तो हमने एक महीना लगाया, परंतु इसमें जो स्टेप्स शामिल हैं उसको ठीक से पूरा करने में और अधिक समय लग सकता है, काफी समय लग सकता है, पूरी शरीर यात्रा भी लग सकती है, तो उसको हमको और जिम्मेदारी पूरा करना है। जितना हम बारीकी से देख पाएंगे उतना ठीक ठीक हमें चीजें स्पष्ट होंगी, उतना ब्लॉक बी वन में काम हो पाएगा। स्टेप वन पे हमने स्वयं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग देखने का प्रयास किया। स्टेप टू पर हमने मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा और पाया कि यहाँ कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। जो भी आदान प्रदान है वो सूचना का है, शरीर से मुझे संवेदना मिलती है, मैं शरीर को संकेत देता हूँ और ये दोनों ही सूचना है, सूचना मात्र है। स्टेप थ्री में हमने देखा कि इसका निर्णय कौन ले रहा है, तो पता चला कि इसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। उसको उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से देखा, शरीर से कोई धीमी गति से कार्य करते हुए, अपनी एक एक हरकत को देखते हुए, जिसे सामान्य रूप से रिफ्लेक्स आसन कहते हैं उसको करते हुए, उसको देखते हुए, और देखा कि हर बार निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, न शरीर न कोई बाहर की कोई वस्तु। स्टेप फोर में हमने संवेदना को अपने से दूर देखने का प्रयास किया, तो देखा कि संवेदना मुझसे दूर है, मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। उससे ये बात और स्पष्ट हुई कि मेरे और शरीर के बीच दूरी है, तो दूरी का मतलब मुझसे बाहर है, संवेदना मुझसे बाहर है, शरीर मुझसे बाहर है, मैं शरीर के साथ बना हुआ हूँ, उसी स्थान पर हूँ, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से बाहर हूँ, शरीर मुझसे बाहर है, इस प्रकार संवेदना भी मुझसे बाहर है, और मैं निर्णय पूर्वक आवश्यकता अनुसार समय अनुसार उसको पढ़ता हूँ। स्टेप फाइव में हमने थोड़ा स्कोर विस्तृत किया और ये एक मुख्य स्टेप है पूरे अभ्यास का। तो हमने देखा कि तीन प्रकार संवेदनाएं मुझे मिलती हैं, दूसरे मनुष्य के व्यवहार से, बाहर के वातावरण से और शरीर में होने वाली क्रियाओं से, और इन संवेदनाओं को मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ और मैं यहाँ ठहरता नहीं, मैं इसे कोई अर्थ देता हूँ, जो मैं अर्थ देता हूँ वो अपने संस्कारों से जोड़ कर देता हूँ। यदि मेरा संस्कार सही समझ आधारित है तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ, अगर मेरा संस्कार मान्यता पर आधारित है तो मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। अब जैसा स्वयं में मेरा भाव विचार बनता है वैसा ही मैं निर्णय लेता हूँ और वैसा ही फिर शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर के द्वारा ऐसा ही निर्वाह होता है। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने 9 स्टेप्स में बांट के देखा और उसको अपने आप में ऑब्जर्व करने का प्रयास किया, तो इसको भी हम लोगों ने कई प्रकार से देखा। मनुष्य के व्यवहार को मैं कैसे अर्थ देता हूँ, शरीर में होने वाली घटनाओं को मैं कैसे अर्थ देता हूँ, बाहर के वातावरण में होने वाली घटनाओं को कैसे मैं अर्थ देता हूँ, और कैसे मेरा भाव विचार भी उस क्षण बना रहता है, उस अर्थ को तय करता है, और वो जो अर्थ मैं देता हूँ वो फिर अगले क्षण के भाव विचार को तय करता है, और इस प्रकार से मैं प्रभावित हो जाता हूँ यदि मेरा संस्कार मान्यता आधारित है, परंतु यदि समझ आधारित है तो मैं अपने आप में आराम में बना रहता हूँ, बाहर की घटनाओं का मूल्यांकन करता हूँ। स्टेप सिक्स में हमने प्रतिक्रिया पूर्वक जीने को और जिम्मेदारी पूर्वक जीने को बारीकी से देखा, तो बाहर से जो कुछ मिल रहा है एक सूचना है, ये बात भी एक मेजर टेक अवे है, तो जो भी बाहर से आ रहा है एक सूचना है, ये जो स्वाद है एक सूचना है, जो संवेदना मिल रही है एक सूचना है, दूसरे के व्यवहार के बारे में जो संकेत मुझे मिल रहे हैं वो भी एक सूचना है, उसको मैं अर्थ देता हूँ। ये बात अगर अपने आप को समझ में आए तो कई बार आपको दिखेगा कि मैं सूचना को सुख मान लेता हूँ, ये सूचना सुख नहीं है, ये सूचना है, जो बाहर से कुछ भी मिल रहा है सूचना है। और देखें तो यही हम अपनी पूरी शरीर यात्रा में भटकते हैं कि जो बाहर से मिल रहा है उसको हम सुख मान लेते हैं,
जबकि सूचना मात्र है, उसको मैं कैसा अर्थ देता हूँ मेरे संस्कारों पर निर्भर है, तो मुझे फिर सुख का स्रोत ठीक ठीक समझ में आता है कि बाहर से तो सुख मिल ही नहीं सकता, बाहर से एक सूचना मिलती है जो मैं उसको अर्थ देता हूँ उससे मैं आराम पाता हूँ या परेशान होता हूँ, और जो मैं अर्थ देता हूँ वो मेरी क्रियाएं कितनी विकसित हुई हैं उसके आधार पर देता हूँ। यदि मेरे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रियाएं विकसित होती हैं तो मैं एक प्रकार से अर्थ देता हूँ, नहीं तो कई प्रकार से अर्थ देता हूँ, और जैसा मैं अर्थ देता हूँ वैसे मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति बनती है। तो सुख जब मुझे स्वभाव रूप में दिखता है तो दिखता है कि बाहर से एक सूचना आएगी, ठीक, चिंतन बोध अनुभव की क्रिया मुझ में जागृत हो जाए मैं सुखी बना रहता हूँ, और फिर बाहर से जो सूचना आ रही है उसका मैं सही मूल्यांकन करता हूँ, उसके आधार पर निर्वाह को तय करता हूँ। तो जब मैं अपने ब्लॉक विवन की क्रियाओं को जागृत कर पाता हूँ, यानी मुझ में समझ होती है, तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, अन्यथा मैं प्रतिक्रिया पूर्वक जीता हूँ। और ये भी हमने देखा था कि जिम्मेदारी पूर्वक जीने का अर्थ क्या हुआ, तो जिम्मेदारी पूर्वक जीने का अर्थ तो पूरी मानवीय परंपरा के प्रति जिम्मेदार होना है। इतनी गहराई और इतने विस्तार में हम चीजों को देख पाते हैं, है ना। तो हमको ये भी दिखता है इससे कि यह शरीर कोई भोग की वस्तु नहीं है, ये जो सुविधा है भोग की वस्तु नहीं है, जो धरती है वातावरण है ये भोग की वस्तु नहीं है, परंतु इन सबके साथ मेरी परस्परता बनी हुई है और मैं इनका सदुपयोग करता हूँ मानवीय परंपरा के अर्थ में, ताकि हर सेल्फ को समझने का सही भाव सुनिश्चित करने का अवसर मिले। इतनी जिम्मेदारी पूर्वक फिर मैं विचार करता हूँ, है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करने को मैं अपने आप में स्पष्ट रूप से देख पाऊँ। तो इस पे हम लोगों ने समय लगाया। अब उसके बाद हम लोगों ने स्टेप 7 में शून्य को देखने का अभ्यास किया। तो कल थोड़ी संक्षेप में बात हुई थी, उसको अब और विस्तार में देख रहे हैं। तो मैं शून्य में हूँ, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूँ, शरीर भी शून्य में है, शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, मैं शून्य के माध्यम से शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूँ आवश्यकतानुसार अपने निर्णय के आधार पर। मैं शून्य के माध्यम से शरीर को संकेत देता हूँ, शून्य के माध्यम से शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूँ। तो इसमें बस एक चीज हमने जोड़ी इस स्टेप में कि अभी तक मैं ये तो देख रहा था कि मैं आदान प्रदान करता हूँ, ठीक, संवेदना पढ़ता हूँ, संकेत देता हूँ, अभी मैं शून्य के माध्यम से कर रहा हूँ ये देखने वाली बात। इसमें और अपने को बारीकी चाहिए देखने के लिए और तत्परता चाहिए देखने के लिए, तो उसको हम अगर अपने आप में देख पाए बहुत अच्छा है। कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, प्रश्न लेते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया यूएचपी में मेरा सबसे बड़ा मेजर टेक अवे ये है कि जो ट्रस्ट इन इंटेंशंस एंड राइट इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंस, और एक है कि न्याय और फैसला, आई थिंक इंग्लिश में वर्डिक्ट एंड जस्टिस, ये दोनों में जब ध्यान मेरे आकर्षित हुए तो ये बहुत बड़ा ये लगा कि जो क्रिमिनल्स के साथ जो होता है कि बस अंडर कर दिया जाता है तो डेथ सेंटेंस। तो कल की जो बात हो रही थी, तो कल को जैसे मैं एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आ जाऊं, क्या मैं कौन होते हूँ ये सोचने के लिए कि मेरा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया तो दूसरा इतना खराब है कि सोसाइटी के लिए वो ठीक नहीं है तो मैं उनको डेथ सेंटेंस या तो ऐसे ही मतलब ये कर दूं, मेजर कुछ पनिशमेंट लगा दूं। आप डेफिनेटली आप बोले हैं टुवर्ड्स द एंड की काम तो करना है उनके ऊपर, तो प्रिवेंटिव एज प्रिवेंटिव मेजर्स, लेकिन जिन लोग को सही में मुश्किल है, लेकिन उन लोग को क्या हम लोग छोड़ दें कि बस इनके ऊपर और काम नहीं हो सकता है तो इनको हटाया ही जाए सोसाइटी से, बॉडीली पूरा ऐसे ही हटाया जाए, ये क्या ठीक है? मुझे ये अच्छा लगा था जब UHV2 में सुने थे कि हाँ क्रिमिनल्स को सोसाइटी से अलग करना जरूरी है फॉर दैट टाइम बीइंग, क्योंकि इंस्टेंटली तो उनका सेल्फ डेवलप नहीं है तो और भी बहुत बहुत डेंजरस काम वो कर सकते हैं, तो
बाकी की सेफ्टी के लिए हटाया जाना है, लेकिन उनके ऊपर काम करते रहना है, जो हमारे प्रेजेंस में ऐसा होता नहीं है, जब अभी भगवान भैया यूएचवी से जो है छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं उन लोग, लेकिन जनरली वो नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम का गलती नहीं मानेंगे कि डेथ सेंटेंस अभी भी है और बहुत अच्छे से जेन्युइनली कन्विक्स के ऊपर, प्रिजनर्स के ऊपर काम नहीं किया जाता है। कल जैसे शास्त्र के में तो बहुत जीरो नॉलेज बोल सकते हैं, लेकिन जो धर्म संक्षेप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, तो क्या हम लोग इसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो अच्छे वैल्यूज है उसको बचाने के लिए और जो लोअर ऑर्डर के वैल्यूज है उसको खत्म करने के लिए, वैल्यूज को मतलब वो लोअर ऑर्डर की जो ट्रेट्स है उसको खत्म करने के लिए हम लोग काम करें, ना कि वो पर्सन को ही यहाँ से वो कर दे, मतलब फिजिकली उनको एलिमिनेट कर दे। यही मेरा क्वेश्चन था भैया जी। देखिए इसमें हमें अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें जो सहज स्वीकृति है, वो तो ये है कि हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए और हम अगले व्यक्ति को भी ट्रांसफॉर्म कर पाए, ठीक है ना, यही सहज स्वीकृति है। बट अभी अपने को दिखता है कि हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने में कितनी मशक्कत कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, और जब अगले व्यक्ति की बारी आती है तो वहां भी ये दिखाई देता है। अब हम निर्णय ले पाए हैं कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर भी इतना सारा समय लग रहा है, तो अगर अगले व्यक्ति ने निर्णय भी नहीं लिया है तो उसके लिए और मुश्किल होगा। और फिर अगर उस व्यक्ति की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि वो जहां हमने उसको समाज से अलग किया है वहां से निकल के भाग भी सकता है, या कई प्रकार के और अपराध वहां बैठे हुए करा सकता है। और एक और चीज जो जुड़ती है इसमें, वो ये भी जुड़ती है कि आप किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर रहे हैं ऐसे जगह पर एक लंबे समय तक, उसका एक कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है सोसाइटी को। तो अगर वो व्यक्ति इस तरह का दुर्दांत है कि उसका एक मेजर कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, तो हमें उन सारे एस्पेक्ट्स को देखने की जरूरत होती है। तो अगर हम उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर पाए, हमारी इतनी योग्यता हो, ये सबसे उत्तम काम है। परंतु यदि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा और उसका भार पूरे समाज पे पड़ रहा है, ठीक है ना, समाज के दूसरे जो आवश्यक कार्य हैं उससे रुक रहे हैं क्योंकि इतना भार पड़ रहा है उसको वहां पे बनाए रखने का, बचाए रखने का, तो फिर समाज उसके अनुसार निर्णय लेता है कि इस साधनों का, इन सुविधाओं का प्रयोग कहाँ किया जाए। किसी को हमने कन्फाइन किया जेल में, पता चला वो कभी भी तोड़ के निकल सकता है, ठीक, या दूसरे देश से उसके कारण युद्ध हो सकता है जिसपे बहुत सारा व्यय होगा, बहुत सारा और समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक, आवश्यक कार्य रुक जाएंगे, तो फिर समाज उसके अनुसार निर्णय लेता है। तो इन सारे पक्षों को देखकर फिर हम निर्णय लेते हैं। तो ज्यादा अच्छी बात यही है कि हम ट्रांसफॉर्म कर पाए, और अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा हो जिसमें हर बच्चे को बचपन से ही अनुसरण अनुकरण करते हुए अनुभव तक पहुंचने का अवसर मिले। वो अभी नहीं है, नहीं है तो इस बीच क्या करेंगे? तो इस बीच हम जो उपलब्ध हैं अवसर, उनमें से उनका सदुपयोग करते हुए जो सबसे अधिक अच्छा निर्णय हो सकता है वो लेते हैं। ये हम अपने पर्सनल लाइफ में भी करते हैं, है ना, हम समाज परिवार में भी करते हैं, वही हम काम समाज में भी करते हैं। लेकिन भैया हम लोग जब फर्स्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली यूटोपियन है, बहुत आइडियल है, होने से तो बहुत अच्छा है, बहुत लॉ। हां तो शुरू से नहीं, नहीं रुके रुके, ये फर्स्ट ऑप्शन को हमने यूटोपियन आइडियल कह दिया, तो जो हमारी सहज स्वीकृति है उसको हम यूटोपियन कह दें और फिर हम समाज के लिए निर्णय लें, ये तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ कि वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली, मैं मीन कर रही हूँ कि वो अच्छा तो है ही, डेफिनेटली जब हो पाएगा बहुत ही अच्छा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तब तक क्या हम लोग को ये एफोर्ट नहीं लगाते रहना है कि ट्रस्ट इन इंटेंशंस, अगर हमको वो ये खत्म ही कर दे पर्सन को, तो वी आर डाउटिंग हिज इंटेंशन। तो हम ही लोग तो उनको मतलब जैसे कन्फाइनमेंट में रखना, तो उनको इतनी बुरी तरह से ना रखे कि वो भागने का भी कोशिश करे, उनको अगर विद कंपैशन ऐसा सिस्टम हम लोग क्रिएट कर पाए कि तो देखिए अभी क्या होता है, इन सब चीजों को ठीक से स्टडी करना पड़ेगा। अभी कई बार ऐसा होता है कि कोई दुर्दांत आतंकवादी पकड़ा गया, फॉर एग्जांपल, ठीक, आपने उसे कन्फाइन किया, उसके साथियों ने मिलकर प्लेन को हाईजैक कर लिया, ठीक, और उसने और सारे साथियों को भी छुड़वा दिया, इसको भी छुड़वा दिया, अब फिर दूसरे देश में जाके बैठ गया और वहां से युद्ध कर रहा है, आपके देश में आतंक फैला रहा है, अभी सारा कॉस्ट तो हम बियर कर ही रहे ना।
तो अगर हमने उस व्यक्ति के शरीर को नहीं समाप्त किया और वो धीरे धीरे कम से कम 1,00,000 लोगों के शरीर के समाप्त होने के लिए कारण बन गया, तो ये सारे ऑप्शन को आप इवैल्यूएट करेंगे ना, इसमें ज्यादा अच्छा कार्य क्या होगा। हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, उनको पूरा मतलब खुला छोड़ने की नहीं बात, आप नहीं छोड़ रहे है ना, वो आपके दबाव बना के निकल जा रहा है, क्या करेंगे फिर। अच्छा आपको नहीं पता भी प्लेन जो हाईजैक हुए हैं है ना, 2 बार हाईजैक हुए हैं और उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, वो हाईजैक में जो लोग छूटे उनके कारण हुई हैं। तो हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति में परिवर्तन हो, परंतु एक समय के बाद जब घटनाएं इस प्रकार से घटित हो जाती हैं कि गलतियां दोनों तरफ से लगने लगती हैं और आप जब भी बात करते हैं वहां पे कुछ तर्क वितर्क होता है, जांच परख नहीं हो पाती, या व्यक्ति ऐसे बिंदु पे नहीं आ पाता कि वो समझने को तत्पर हो, तो आप क्या करेंगे, कोई निर्णय तो लेंगे ना। अब आप कहेंगे कि हम पूरे अपना जो ट्रैवल सिस्टम है उसको पूरा दुरुस्त करेंगे, हम ये करेंगे, हम बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं, परंतु हमको दिखता है कि सब में लिमिटेशंस होते हैं। अगर हम अपने बारे में ही निर्णय लें कि भाई हमको 1 साल में अनुभव तक पहुंच जाना है, तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अभी दिख रहा है आपको कितना समय लग रहा है, और हम लोग कई बार शेयर भी करते हैं परिवार में कि कोई व्यक्ति है जो समझने को तैयार ही नहीं है, ठीक, तो फिर उसमें हम क्या करें, और उसके कारण कई बार हमको समस्याएं हो रही हैं, वो हमारा शोषण कर रहे हैं या फिर है ना हमारा मतलब उनके कारण परिवार में व्यवस्था बनी हुई है, समाज में व्यवस्था बनी हुई है, तो हम कुछ निर्णय तो लेते ही है ना। तो ये तो ठीक है कि हम उस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं कम से कम समाज से अलग कर दे ताकि वो व्यक्ति समाज के लिए अहित ना करे, परंतु पता चला वो वहां बैठे बैठे और ज्यादा हित कर रहा है और भविष्य में और ज्यादा हित करने की संभावना है, तो निर्णय तो कोई लेंगे। तो फिर भैया इस हिसाब से फैमिली लेवल में या तो स्कूल्स में जैसे, तो बहुत इजीली ही लोग वो कर लेंगे कि नहीं इसको तो और कुछ नहीं किया जा सकता है, तो उसको बस रस्टिकेट ही किया जाए, ऐसा है। तो where to draw the line कि हमारे एफर्ट पूरे हो गए हैं, वो भी तो हम लोग को कन्विंस्ड होना है कि इन स्पाइट ऑफ दैट नहीं हो रहा है, तब जाके अल्टीमेट लेंगे। लेकिन ये तो बहुत लोग इजीली कर ही लेते हैं कि नहीं ये इतना ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाकी बच्चों को स्पॉइल कर रहा है, तो बस इसको निकाला जाए। सो है मतलब बहुत पूरा तरीका निकला ना कि हमने इसको निकाल दिया, वो समाज में चला गया, कोई बच्चा जो है वो ऐसे हरकतें कर रहा है, हमने उसको स्कूल से निकाल दिया, तो और गलत किया हमने, उसको कोई दूसरी जगह हम प्लेस करें जहां उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए वो तो ठीक है, हमने उसको निकाल के समाज में छोड़ दिया। अब स्कूल में कम से कम हमारी देखरेख में तो था, अब बाहर समाज में तो देखरेख में भी नहीं है, तो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। अगर हम उसके प्रति जिम्मेदार हैं, अगर हमारे में जिम्मेदारी का भाव है, ठीक, तो हम तो एक निश्चित कार्यक्रम बनाएंगे ना ताकि उसमें परिमार्जन हो। स्कूल से निकाल देना, घर से निकाल देना है ना, कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। उसमें भी आप देखें तो पहले ये भी होता था, देश निकाला दे दिया, परंतु उसमें दिखा कि देश निकाला दे दिया और वो व्यक्ति जाके किसी शत्रु देश से मिल गया और उसने पूरे देश को ही तबाह किया, ऐसा कई बार हुआ है इतिहास में अगर हम पढ़ें, तो इसलिए उसको अभी जेल में डाल देते हैं और उसके साथ हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्यक्रम भी बनाए जाते हैं। अभी भी आप देखें तो देश में बहुत सारा काम हो रहा है परंतु उतना सटीक ढंग से नहीं हो रहा, जैसे उनको रोजगार की शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे क्लासेज भी चलते हैं, बट ये एक मेजर टास्क है। अगर हम देखें जिम्मेदारी पूर्वक मानवीय परंपरा का विचार करें, तो पहले बात हम ये विचार करेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि व्यक्ति जेल पहुंचा क्यों, शिक्षा सही क्यों नहीं हुई, परिवार में संस्कार सही क्यों नहीं मिला, वातावरण सही क्यों नहीं मिला, उस पर काम करेंगे जो अभी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ हम जब वो व्यक्ति जेल पहुंच गया तो वहां भी क्या करना है उसको भी काम करेंगे ठीक से। जेल से निकल कर बाहर आए तो कैसे उसमें परिमार्जन हो सकता है उस पर भी काम करेंगे। जैसे नीदरलैंड एक देश है, नीदरलैंड में सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग जेल में कैदियों कम से कम रखेंगे, सिर्फ इनके हाथ पे बिल्ला लगा देंगे कि व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराध किया है, इस प्रकार का अपराध किया है, उसको समाज में हमें कॉमन लाइफ जीने देंगे। अब उससे ये पता चला है कि नीदरलैंड में अपराध धीरे धीरे कम होते गए हैं और जेलों की संख्या भी घटती गई है, पिछले 12
साल में 3 या 4 जेल बंद हो गए हैं जहां तक मुझे जानकारी, अपराध कम हुए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे सारे ये, अब ये निर्णय विचार के स्तर पर होते हैं, इसमें बहुत सारा फल परिणाम प्रयोग करके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो कर सकते हैं। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने अब बिल्ला लगा के बाहर छोड़ दिया, ठीक, अब वो और आतताई हो गया है, वो तो पूरे प्रतिशोध के भाव से पूरे सरकार को ही मिटाने पर लगा हुआ है, तो कोई निर्णय तो लेंगे ना। हाँ जी भैया, वो तो रियल असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस के बेसिस में ही होगा उस टाइप का, क्यों अदरवाइज ट्रस्टिंग इंटेंशन उसमें अगर डाउट हो जाए तो हमारा तो एवरी डिसीजन सब्जेक्टिव होगा कि फैमिली लेवल में नहीं इसके ऊपर हम इनफ काम कर लिया और नहीं हो सकता तो इसको छोड़ ही दिया जाए या तो स्कूल एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशन में, तो सब्जेक्टिव होता रहेगा। अभी हम अपने ऊपर देखें थोड़ा, है ना, कि अभी हम अपने को तो बहुत उदारता पूर्वक लेके चलते हैं ना, कि अभी हमने इतना समय लगाया, नहीं समझ में आ रहा, बट हमको दिखता है कि हाँ मुझ में पोटेंशियल है, मैं समझना चाहता हूँ, तो मैं प्रयास करता रहा अपने, तो दूसरे के बारे में भी दिख सकता है। और उसके साथ हम कम से कम बचपन से अगर इस बात को देख पाए तो एक निश्चित कार्यक्रम बना पाएंगे। उसके बाद यदि कोई इक्के दुक्के लोग ऐसे निकल आते हैं, जब इसको आप समाज के स्तर पर लेके जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारे और प्रश्न खड़े, इससे हमको अभी तक पूरा इतिहास है उसका पुनर्मूल्यांकन करना होगा, परंतु अभी भिन्न भिन्न संस्कारों के भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोगों के साथ जब हम मानव लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो उसमें सही विधि क्या होगी, इन सब मुद्दों पर हमें निर्वाह कैसे करेंगे, इस पर विचार करना होगा, इस पर निर्णय लेना होगा। जी 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 भाई, थैंक यू, बढ़िया दीदी। तो इस पे हम थोड़ा ध्यान दें, है ना, इसको हम थोड़ा सा देख लें अपने आप में, इसमें समय लगेगा, परंतु इसको हम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में तो देख पाए, ये एक महत्वपूर्ण काम है मेरे लिए। शून्य के माध्यम से शरीर को संकेत कैसे देता हूँ, शून्य के माध्यम से कैसे मैं संवेदनाओं को पढ़ता हूँ, और क्या मैं इसे सीधे सीधे देख पा रहा हूँ, तो इसको हम अपने आप में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इससे हमारे विचारों में जो और कुछ शंकाएं प्रश्न रह गए हैं उनका समाधान मिलेगा, जब हम अपने आप को शून्य में देख पाते हैं, शरीर को शून्य में देख पाते हैं, और ये मुझे दिखता है कि शून्य के माध्यम से ही सारा निर्वाह हो रहा है। इससे हमारे अंदर जो बहुत सारे कौतूहल के प्रश्न होते हैं, बहुत सारे रहस्य जिसको हम माने रहते हैं, ऐसे प्रश्न रहते हैं, उनका भी समाधान बनेगा। तो आपको दिखाया कि मैं निर्णय पूर्वक शरीर के साथ समय समय पर निर्वाह करता हूँ, मेरा होना शरीर पर आश्रित नहीं है, संवेदनाओं पर आश्रित नहीं है, किसी बाह्य वस्तु पर आश्रित नहीं है, ये विश्वास हमारा स्वयं में बन पाता है कि मैं तो हूँ ही, मैं था हूँ और रहूंगा। जब इतना निश्चित रूप से दिखाई देता है कि मैं था हूँ और रहूंगा, तो फिर अपने लिए हम कार्यक्रम तय कर पाते हैं, फिर जो सामयिकता में जीना है, बाहर से मिलने वाली सूचनाओं पर जो सुख के लिए निर्भर होना है, ये सब बेमायने लगता है ना, निरर्थक लगता है। फिर हमको दिखता है कि मेरा एक निश्चित कार्यक्रम है, उस क्रम में शरीर साधन है, और फिर मैं फिर ठीक से अपने परिवार में समाज में कार्यक्रम को बना पाता हूँ, मानवीय परंपरा का विचार कर पाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि मेरा होना किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं है, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, है ना, मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, तो मैं शून्य के अस्तित्व में यानी अन्य किसी इकाई पे आश्रित न होते हुए बना हुआ हूं, ये दिखना, ये सत्य का दिखना है। सत्य को दिखना कहें तो ये तो फिर पूरे अस्तित्व का अस्तित्व के रूप में दिखना सत्य का दिखना है, परंतु उस क्रम में ये मैं अगर देख पाता हूँ तो ये सत्य को मैं उस रूप में देख पाता हूँ, मैं सबसे संबंधित हूँ ये मुझे दिख पाता है, मेरे अंदर प्रेम का भाव जगता है, और मैं सबके प्रति जिम्मेदार हूँ ये भाव मेरे अंदर जगता है, इसे करुणा का भाव कहा, तो मैं स्वयं में सत्य को देख पाता हूँ, प्रेम के भाव से भर पाता हूँ, करुणा के भाव से भर पाता हूँ, और सबके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जी पाता हूँ, और अपनी जिम्मेदारी को मैं मानवीय परंपरा तक देख पाता हूँ, ये स्पष्टता के साथ कि मेरा होना तो है ही ना, किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है, तो फिर मैं पूरी एक शरीर यात्रा की सीमा में भी अपने आप को नहीं देखता, अस्तित्व भी निरंतर बना हुआ है, मैं भी निरंतर बना हुआ हूँ,
और फिर मैं इस बात पे ध्यान देता हूँ कि अल्टीमेटली जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उससे ऐसे क्या उपलब्धि हो पा रही है जो मेरे साथ निरंतर बना रहेगा। जी, ये एक बहुत जिम्मेदारी पूर्वक देखने वाली बात है, इसको हम थोड़ा समय लगाएं, जो मैंने बात कही उसको थोड़ा ध्यान दें, आज दिन में उस पर बैठ के हम थोड़ा सा ध्यान दें, विचार भी करें, और इस पर जो भी प्रश्न बनते हैं उसको अपने आप में हम अगर रिजॉल्व कर पाए बहुत अच्छा, नहीं तो उसको लेकर आए हम उस पर और बात भी करेंगे। जी, शून्य जो है क्या वो हम ब्रह्मांड को कहते हैं? और इसी से आगे जब हम जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो भी मेडिटेशन की प्रक्रिया है जिसमें हम आंख बंद करते हैं, आवाजों को सुनते हैं, या कहीं ध्यान केंद्रित करते हैं, या ओम का उच्चारण करते हैं, तो क्या ये जो भी हम करते हैं ये शून्य में है या ये अलग है कुछ? अब इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ब्रह्मांड देखें तो ब्रह्मांड तो पूरे अस्तित्व को कह रहे हैं, इसमें कि शून्य भी है, ग्रह गोल भी हैं, इकाइयां हैं, ये तो हम पूरे अस्तित्व को ही ब्रह्मांड कह रहे हैं। शून्य है जिसको हम क्रिया शून्य के रूप में देख पाते हैं, ये क्रिया शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, इकाई के भीतर भी, इकाई के बाहर भी है, कई बार उसे आकाश भी कहा गया है, परंतु वो आकाश से ऐसा लगता है कि धरती के बाहर नहीं, धरती के भीतर भी, धरती के बाहर भी, इकाई के भीतर भी, इकाई के सतह पे भी, इकाई से बाहर भी। और जो ये हम मेडिटेशन करते हैं ये क्या अपने शरीर के लिए करते हैं या अपने मतलब मैं के लिए करते हैं? देखिए, ये तो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति तय करेगा किस लिए कर रहा है। जो डिजायरेबल है वो ये है कि हम अस्तित्व को सांस्कृतिक रूप में देखने के लिए मेडिटेट करें। तो जैसा भी हम जो सुबह अभ्यास कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो अभ्यास एक में हमने अपने भाव पे मेडिटेट किया, अभ्यास दो में हमने शरीर और शरीर से होने वाला आदान प्रदान पे मेडिटेट किया, और फिर शून्य पे मेडिटेट करने की बात कर रहे हैं कि हम उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। तो हमको जड़ दिख जाए जड़ की तरह, चैतन्य दिख जाए चैतन्य की तरह, शून्य दिख जाए शून्य की तरह, करने काम है। अच्छा भैया जी, ये जैसे हम हवा पानी को अनुभव महसूस कर सकते हैं, शून्य को कैसे अनुभव या महसूस करेंगे? अनुभव की मतलब अनुभव की वस्तु तो है, अनुभव जिसको आप कह रहे हैं है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस के रूप में कहेंगे तो अलग ढंग से हम उसको विश्लेषित कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर आशा के स्तर पे देखें तो शून्य हमको दूरी के रूप में दिखाई देता है, जो हम आस्वादन करते हैं। तो दो इकाइयां हैं, दो क्यों कह पाते हैं, क्योंकि एक और एक इकाई के दूरी है। तो यहां से दूरी से देखना शुरू करते हैं, तो शुरुआत तो दूरी से करते हैं। दूरी का तो हमको पता चलता है, छोटे बच्चे को पता चलता है, दो मकान खड़े हैं, दोनों की दूरी है, हम देख पाते हैं, तो दिख रही है क्योंकि बीच में शून्य है, होता ही है ना, आशा के अवसर पर भी देख सकते हैं, इच्छा के अवसर भी देख सकते हैं, और आगे भी देख सकते हैं, तो दिखता है कि दूरी तो है ही, परस्परता भी बनी हुई है, और उस परस्परता के लिए बीच की दूरी होना जरूरी है। तब ये ना जब दो अलग अलग हैं, अलग अलग है और फिर परस्परता भी दिखाई देती है। संबंधित भी किस प्रकार से है अब उसको देखना बनता है। अच्छा, तो ये देख पाते हैं कि दो इकाइयां हैं, यानी दोनों के बीच में दूरी है, तभी दो कह रहे हैं, और परस्परता भी बनी हुई है, तभी तो एक को दूसरे के साथ हम रिलेट करके देख पा रहे हैं। बट संबंधित हैं है ना, ये बात फिर हम देखने जाते हैं तो वहां संबंध दिखाई देता है, और फिर उसको और बारीकी से देखते हुए हमको दिखाई देता है कि शून्य बनी रहते हुए इकाइयां ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। अच्छा भैया जी, ये की जो पूछना, जैसे दो मकान के बीच में स्पेस है,
तो उस स्पेस में कुछ ऑक्सीजन होगी, तो क्या वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में भी स्पेस होगा? और क्या, इसको तो हम लोग साइंस में ही पढ़ते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस पढ़ते हैं ना, फिर हम मॉलिक्यूल और एटम के अंदर कैसे स्पेस है उसको पढ़ते हैं, सब तो पढ़ते ही है, उनके बीच में स्पेस है उसको भी पढ़ते हैं। ये स्पेस वही स्पेस है क्या? हाँ हाँ, स्पेस जो हर जगह व्याप्त है, इकाई के भीतर भी, इकाई के बाहर भी। अच्छा, और ये भी हम पढ़ते हैं कि हम लोग एक गैलेक्सी के, एक प्लेनेट के एक छोटे से हिस्से पे रह रहे हैं, और ऐसे अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत अनंत सूरज जैसे तप्त है ना, ऐसे पिंड है, स्पेस में ही है। अच्छा, ये तो स्पेस सुनने की बात हो गई। एक मेरा ना दूसरा सवाल अनुभव से था। हाँ? जैसे हम कहते हैं हमें अनुभव तक जाना है, और जैसे मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ निर्णय शरीर के लिए लेता हूँ, कुछ निर्णय मैं के लिए लेता हूँ, तो मैं जब मैं के लिए लेता हूँ या शरीर के लिए लेता हूँ तो उससे सुखी या दुखी होता हूँ, तो जो मैं सुखी या दुखी को महसूस करता हूँ क्या वही अनुभव है? नहीं, ये अनुभव का मतलब संपृक्तता को देखना, शून्य में प्रकृति कैसे संपृक्त है इसको देखना, ये अनुभव है। यानी शून्य में बनी रहते हुए इकाइयां ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, आधार में शून्य है, इसको देख पाना ये अनुभव है। इसलिए अनुभव वर्ड को भी हम थोड़ा लूजली यूज कर लेते हैं, परंतु अनुभव का मतलब कोई एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं है, अनुभव का मतलब रियलाइजेशन है, इस बात को देख पाना है, शून्य आधार में है। इसको देख के फिर वैसा जीना, और क्या, तो उसमें एक आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा, क्योंकि अभी हम हर एक चीज को सामयिकता में देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित देखते हैं, तो मेरा होना भी लगता है शरीर का आश्रित है, शरीर है तो मैं हूं, नहीं तो पता नहीं। नहीं, सामयिकता मतलब क्या भैया जी? पूरे में देखते हैं, टेम्पररीनेस को देखते हैं। अच्छा, सामयिकता मतलब टेम्पररीनेस, अभी हर चीज हमको टेम्पररी लगता है। अच्छा, अभी कोई आगे कह दे, जैसे 2012 के पहले लोगों ने कहना शुरू किया कि 2012 में प्रलय आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उन्होंने मान लिया, उसे फिल्में तक बन गई। अब कोई कहता है धरती रहेगी नहीं रहेगी आज से 40 साल बाद, हमको डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होगा फिर। दिखाई दे कि अस्तित्व था, है और रहेगा, है ना, मैं भी रहूंगा, ये अनुभव है। जड़ इकाइयों में रूप गुण परिवर्तन हो जाएगा कुछ, हाँ, इकाइयां बनी रहेंगी, तो रूप गुण परिवर्तन होगा तो अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, जो चार अवस्थाएं हैं परिवर्तन होगा। कल को अगर कोई मेजर विस्फोट हो जाए तो आपका गोला बन जाएगा, ठीक, तो खाली अवस्था रह जाएगी और चैतन्य इकाइयां रह जाएंगी, शरीर नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, इतना हो सकता है, परंतु अस्तित्व तो बना ही रहेगा। तो इसको अगर हम समझ लें और समझ के जिए तो ये अनुभव है। देखिए, इसको देख पाना अनुभव है, देख पाने के आधार पर हमारे अंदर इसकी समझ पूर्ण हो जाती है, पूरे अस्तित्व की समझ पूर्ण हो जाती है, फिर उसे कल्पनाशीलता में एक निश्चितता हो जाती है, हमारे भाव निश्चित हो जाते हैं, विचार निश्चित हो जाते हैं, आशा निश्चित हो जाती है, फिर वैसा ही हम जी कर निरंतर सुखी बने रहते हैं, ये होता है। तो जो हम अनुभव का अभी तक नाम देते हैं वो तजुर्बा है एक तरीके से। हाँ, और क्या है? ये कंफ्यूजन है, मतलब जैसे मैं में सुख दुख हो रहा है, शरीर में सुख दुख हो रहा है, अपने निर्णय लेने के बाद, तो तजुर्बा है। तजुर्बा है, बिजनेस चलाने का तजुर्बा है, परिवार चलाने का तजुर्बा है, दुनियादारी का तजुर्बा है। हाँ, अभी तक जो ह्यूमन वैल्यू में मैंने देखा कि मतलब जैसे कॉम्पिटेंस और पोटेंशियल, तो भाई उससे व्यवहार में तो अंतर आया, तो जब उससे व्यवहार में अंतर आया तो मेरा तजुर्बा है एक तरीके से, उसको अनुभव नहीं, उसे अनुभव नहीं कहेंगे। मतलब इतना समझने के बाद ये आया कि अगर कोई मान लीजिए अपनी किसी कॉम्पिटेंस में कमी है, मतलब कमी है, तो मैं ये जानता हूँ, पहले मैं इरिटेट हो जाता था,
अब मुझे समझ में आता है कॉम्पिटेंस में कमी बढ़ाना पड़ेगा, तो इरिटेशन खत्म हो गया, तो ये मेरा तजुर्बा है। अब वैसे देखें तो तजुर्बा भी है और साथ में आपके अंदर कुछ जांच परख भी हुई है। हाँ, तो ये अनुभव नहीं है मेरा। नहीं नहीं, अनुभव अपने आप एक निश्चित क्रिया है, मेरी क्रिया है। हाँ, जो होती है जब मैं पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाता हूँ। अच्छा, ये क्लियर हुआ काफी, पहले मैं इसी को अनुभव समझता था। जी भैया नमस्ते। इसमें भैया मेरा प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या सेल्फ उसी तरह से कोई मतलब बॉडी तो नहीं है, लेकिन क्या बॉडी जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, फाइनाइट स्ट्रक्चर है, और अगर ऐसा है तो कितने सारे सेल्फ हो सकते हैं पॉसिबली? जैसे जितने लोग भी शरीर लेते हैं छोड़ते हैं, तो इनफाइनाइट संख्या में क्या शरीर के सेल्फ एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास शरीर है या नहीं है? और दूसरा एक और प्रश्न है कि मान लेते हैं कि ना शरीर है और ना बाहर कुछ है, जैसा आपने कहा ना कि आग का गोला हो गया या बाहर की ऑब्जेक्ट या एक्टिविटीज बंद हो गई, ऐसे में सेल्फ में ना तो चिंतन होगा ना राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि बाहर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके बारे में विचार करे या सोचे। तो ऐसी अवस्था में सेल्फ के अंदर क्या व्यवहार होगा, क्या एक्टिविटी होगी, या शून्य ही होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेल्फ शून्य का ही विस्तार जैसा कुछ होगा या शून्य में ही समा जाएगा? इस पर थोड़ा सा भैया जानना चाहते हैं। थैंक यू भैया। इकाई बना रहेगा, जब हम कह रहे हैं कि मेरा होना किसी अन्य वस्तु पे आश्रित नहीं है तो मैं इकाई हूँ, इकाई बना रहूंगा। परस्परता में जो भी जड़ वस्तु उपलब्ध हैं वो जड़ वस्तुएं अलग ढंग से उपलब्ध रहेंगी, अब शरीर नहीं रहेगा, इतना ही हो सकता है। मैंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन बताया कि अस्तित्व था है और रहेगा, अधिक से अधिक जड़ इकाइयों में रूप गुण परिवर्तन हो सकता है, चैतन्य इकाइयां यथावत रहेंगी। इतना जरूर कि जड़ इकाइयां चैतन्य इकाइयों के लिए साधन के रूप उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, जैसे अभी हुए, जैसे शरीर मिल जा रहा है, पशु शरीर हो या मानव शरीर हो, वो नहीं होगा। और फिर उसके लिए बेहतर अवसर देखेंगे अपने आप को विकसित करने का। अब जाके सूरज पे नहीं रह रहे ना हम लोग, धरती पे रह रहे हैं तो कोई और धरती ढूंढा जाएगा। तो भैया वो फाइनाइट मन के अंदर कैसी कल्पना आती है सेल्फ की, कि वो एक फाइनाइट या इनफाइनाइट या कैसा अस्तित्व है और कितने सारे सेल्फ हैं धरती पर, या मतलब कल्पना में जा रहे हैं, पशु का शरीर हो या मानव का शरीर हो, तो सबके सेल्फ एक ही जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, कहां ऐसा कह रहे हैं, अभी देखिए ना, हम ही जितने लोग अभी जुड़े हैं हम सबके सेल्फ में अंतर है कि नहीं है? नहीं, लेकिन हमने जैसे कहा ना कि सत्य प्रेम करुणा ये तो सबके सेल्फ में वास्तविकता यही है, लेकिन हमारे अंदर संवेदनाओं के आधार पे हमारा एक्सपीरियंस फर्क है। नहीं नहीं, सत्य की दृष्टि किसके अंदर अभी बन पाई है, किसके अंदर प्रेम का भाव बन पाया, किसके अंदर करुणा का भाव बन पाया, अभी कहाँ है? सहज स्वीकृति सबके अंदर है, वो ठीक है, बट ये भाव कहाँ स्थापित हो पाया है? नहीं, वो प्रोसेस में है, पर बैकग्राउंड में तो सेल्फ एग्जिस्ट कर ही रहा है ना भैया। हाँ, तो सेल्फ है, सेल्फ के अंदर इनकी सहज स्वीकृति है, परंतु यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी जो काम करना है वो तो बहुत सारा शेष है, अधिकांश शेष है। जी जी, नहीं भैया, प्रश्न बस इतना था कि मान लीजिए ये सारा प्रोसेस हम कर लेते हैं, हम एक्चुअल सेल्फ पे पहुंच जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक्चुअल सेल्फ कुछ नहीं है, आप एक्चुअल सेल्फ वाली भी हैं। सेल्फ में दो आयाम, कल्पनाशीलता का है और ज्ञान का, जिसको अनुभव का आयाम भी कह सकते हैं। तो कल्पनाशीलता के आयाम में हम जी रहे हैं, अनुभव के आयाम में काम करना है। जी, नहीं है तो ये फाइनाइट है कि नहीं है भैया सेल्फ? देखिए, हर एक का सेल्फ अलग अलग है कि एक ही है? क्या चीज? हर एक का सेल्फ अलग अलग है, सब में डिवीजन है, हमारा सेल्फ आपके सेल्फ से अलग है, या हमारा आपका सबका सेल्फ एक ही है और सबकी कल्पनाशीलता अलग अलग है और बाकी दोनों ब्लॉक के जो एक्टिविटीज हैं वो अलग अलग हैं, परंतु सेल्फ का जो बैकग्राउंड है
वो सबका एक ही है, जैसे आप जिसको शून्य भी कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है भैया जी। कभी भी आप देखें जैसे आपका जो सेल्फ है यानी आप और मैं, है ना, अलग अलग है कि नहीं? स्थान में आप कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ, आपके अंदर कोई और कल्पना चल रही है, मेरे अंदर कोई और कल्पना चल रही है, आपके अंदर भी सहस्वीकृति है सत्य को जानने की, हमारे अंदर भी है, हो सकता है आप उसको देख पा रही हैं, मैं नहीं देख पा रहा, इतना भर हो सकता है। आप देख पाएंगी तो आपका आचरण निश्चित रहेगा, मैं नहीं देख पाऊंगा मेरा आचरण अनिश्चित रहेगा। तो हैं तो दोनों अलग अलग ही, सेल्फ दो इकाइयां हैं। इतना ही है कि जब मैं शून्य में पूरी प्रकृति को संपृक्त देख लेता हूँ, तो मैं पूरे अस्तित्व से अपने जुड़ाव को देख पाता हूँ, तो उस समय ऐसा लगता है कि मैं पूरे अस्तित्ववत हो गया, जैसा अस्तित्व उस पूरे अस्तित्व में फैल गया, बट मैं हूं तो इकाई, फैला हुआ नहीं हूँ, फैला हुआ तो शून्य ही है, परंतु शून्य के माध्यम से मैं प्रकृति के हर इकाई के साथ, पूरे ग्रह गोल के साथ मैं अपने संबंध को देख पाता हूँ। तो उसको ही कई बार, है ना, कहते हुए हम कह देते हैं कि मैं ब्रह्म हो गया, तो मैं ब्रह्मवत होकर देख रहा हूँ पूरे अस्तित्व को, तो मैं तो हूँ इकाई, मैं ब्रह्म नहीं, मैं हूँ तो इकाई। परंतु जब मैं उस स्थिति में जाकर अपने आप को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को ब्रह्मवत पाता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं पूरे अस्तित्व से जुड़ गया, तो मैं इकाई हूँ, इकाई ही रहूंगा, ये बात हम अपने आप में देख सकते हैं। भैया जिस समय हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे ध्यान की अवस्था हो या डीप स्लीप हो, उन दोनों स्थितियों में भैया जो हमारी सीमित संरचना है वो इतनी विस्तृत हो जाती है कि अपने को हम कहाँ समाप्त कर रहे हैं इसका कोई आभास नहीं होता, तो एक इकाई के बजाय वो एक अनंत विस्तार जैसा लगता है। ओके दीदी, ये कैसे पता चला कि डीप स्लीप में जब हमको कुछ होश नहीं होता तो हम ऐसे फैल, हमने कैसे जाना? ये जब हम जागृत अवस्था में आते हैं और उस समय हम रिकॉल करते हैं पुराने जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस थे, तो उस समय ये लगता है ना जैसे कि हमारे स्वप्न में ही हमारा विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे कई देश उसमें आ जाते हैं, आकाश, ब्रह्मांड, सब कुछ उसमें आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा जो विस्तार है वो असीमित है, उसमें कुछ भी उसी के अंदर समाहित है, ऐसा अनुभव आता है। देखिए, इसको उन्होंने कई बार एक्सप्लेन किया था, शायद उसका तो छूट गया, कि मेरे कल्पनाशीलता में कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब मैं अभी बैठे बैठे 3000 साल पहले जो घटना हुई उसको ध्यान दूं, इसका मतलब थोड़ी कि मैं 3000 साल पहले धरती पर चला गया, या मैं आज से 2000 साल बाद क्या होगा उसकी कल्पना करूं तो ऐसा तो नहीं मैं वहां चला गया, या मैं अभी बैठे बैठे ब्लैक होल की कल्पना करूं तो ऐसा तो नहीं मैं ब्लैक होल में चला गया। तो मेरी कल्पनाशीलता की वस्तु में ये सारी वस्तुएं आ रही है, कल्पनाशीलता में सारी वस्तुएं आ रही है, बट मैं तो यही हूँ अपने कमरे में। पर हमने तो, ये भी कहा कि हम हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, इटर्नल है सेल्फ, हमेशा बना रहेगा, तो वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहने वाला है, तो ये असंभव भी नहीं है कि हम वहां पहुंच जाएं। देखिए, मैं था, हूं और रहूंगा, ये तो मैं कह रहा हूँ, ठीक जी, परंतु मेरी कल्पनाशीलता में कोई अतीत की बात आ गई तो मैं अतीत में थोड़ी चला गया, मैं तो हूँ अभी ना, इसी क्षण 31 जनवरी को ही तो हूँ मैं, कल की तो काल भी सापेक्ष ही तो है, समय भी अपने आप में कोई एग्जिस्टिंग यूनिट नहीं है, वो भी एक सापेक्ष टर्म ही है, अब शायद वो अलग जा रही है बात, इसलिए मैं यहाँ पे रोकूंगी अपने आप को जी। अध्ययन करिए, देखिए क्या है ना, ये विचार में बहुत सारी चीजों को ले आते हैं, फिर उसमें और ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो आप अभी जहाँ पे हैं, आप कहाँ हैं अभी, घर कहाँ है आपका? लखनऊ। लखनऊ, तो आप लखनऊ में हैं जी, चेन्नई में है, नोएडा में है, शरीर के हिसाब से तो है वहां पर जी, बिल्कुल। आप लखनऊ में है कि नोएडा में है? नहीं देखिए, अगर मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे फिर पूछेंगे तो फिर वही, क्योंकि सेल्फ का पार्ट ही है इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन से वो कहीं भी हो सकता है। अब ये पूरा जो हमने जहां से डे वन से चर्चा शुरू की थी वो फिर से पूरी करनी पड़ेगी। तो भैया यही हो ही रहा है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग में यही हो जा रहा है कि फिर से पीछे पीछे वो सांप सीढ़ी जैसा हो रहा है, वो 99 पे पहुंच के फिर जीरो पे। हो ये रहा है कि पूरी बात हम नहीं सुन पा रहे ना, हम अपनी कल्पनाशीलता से उसको मिक्स कर देते हैं जी। ये तो कई बार बात हुई कि मैं और शरीर, मैं हूँ शरीर, पहले स्टेप पे काम है, मैं हूँ और शरीर है, ठीक है, मैं शरीर। तो ये कई बार बात हुई कि
स्थान रूप में मैं वही हूँ जहाँ पे शरीर है, परंतु मैं शरीर नहीं हूँ। इस पे और आगे बात कर लेंगे दीदी, अभी थोड़ा समय कम। ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो आप रिविजिट करिए, रिकॉर्डिंग सारा अवेलेबल है, उसके एक बार आप सुनिएगा। जी 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 जी, थैंक यू भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।